भारत जो स्टंट कर रहा है जरा वो भी देख लीजिए फटाफट, जल्दी से उस स्टंट पे भी ले आता हूँ। बिल गेट्स ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी फॉर येट अनदर माइलस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग 200 करोड़ वैक्सीनेशन। वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर कंटिन्यूड पार्टनरशिप विद इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एंड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। ओफो, तो COVID-19 के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लग गई, इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं, इस बात की बधाई दे रहे हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ होगा, बहुत सारे, कुछ तो कह रहे थे कि 15 साल लग जाएंगे। इतने बड़े वाले चाटते हुए अकाउंटेंट है कहने को, कैसे फर्जी तरह के लोग हैं, कैसे पास हुए होंगे लोग, चीटिंग कर करके ना, पैसे देकर पक्का 15 साल में कर दे। एक सज्जन वो थे जो 1,95,000 का उनका टिकट था भाई, बुलेट ट्रेन का 1,95,000 रुपये का टिकट है, होगा जब आएगा, ठीक है ना, कमाल की बात है। तो खैर, सिर्फ वैक्सीनेशन में भारत आगे बढ़ गया क्या? नहीं, वैक्सीनेशन में UPI ट्रांजैक्शन में भी आगे बढ़ गया। जरा देखिए पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। 2003 और 4 में देखिएगा, NEFT के अलावा दूसरा कुछ दिख नहीं रहा। चेक DD देखिए कहाँ है। ये चेक DD है, क्रेडिट कार्ड्स है, फिर डेबिट कार्ड है, ECS है जो आप SIP वगैरह में जो देते हो, और फिर NEFT है। फिर क्या बदलाव आया? फिर बदलाव देखते जाते हैं, ECS बढ़ गए, जो बैंक लोन वगैरह पे आप ECS देते हो, SIP वगैरह में देते हो, EMI देते हो, वो बढ़ गए। क्रेडिट कार्ड भी बढ़ने लगे, डेबिट कार्ड भी बढ़ने लगे, चेक DD भी बढ़ रहा है। अभी 7-8 तक यही स्थिति थी, 8-9 तक भी यही स्थिति थी, फिर थोड़ा NEFT बढ़ा 9-10 में, ECS भी बढ़ा। अब देखिएगा बदलाव, क्रेडिट कार्ड बढ़ गए, डेबिट कार्ड बढ़ गए, डेबिट क्रेडिट से ऊपर निकल गया, बैंक DD कहाँ गया पता नहीं चलने वाला, चेक DD, और यहाँ पर आ गया IMPS 13-14 में। और अब इस IMPS का खेल देखिएगा, ये बाकी सब वॉलेट देखिए कहाँ पहुँचे, वॉलेट किधर गया। 2015-16 में चेक DD ये रहा सर आपका, और डेबिट कार्ड ये रहा, ई वॉलेट्स यहाँ रहा 16-17 में, और NEFT ये रहा, UPI अभी आपका ये रहा, है ना। अब आगे आइए, और ये गया UPI, ये रहा ऊपर, और ई वॉलेट्स ये हैं, डेबिट कार्ड्स ये हैं, IMPS अब ऊपर पहुंच गया, और IMPS ये पार कर गया। तो अब आप पूरे डिजिटल ट्रांजेक्शन, UPI डिजिटल है, ई वॉलेट डिजिटल है, IMPS डिजिटल है, ये तीनों जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन में आप नंबर वन पर हो, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर नंबर वन में आप, ठीक है ना। तो ये फर्क है, तो सिर्फ वैक्सीनेशन में नहीं सर, यहाँ पर भी आप नंबर वन है, और नंबर वन एक जगह और होने वाला है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जरा उसको देखें, कुछ आज एक नई चीज हुई है ड्रोन में। मोदी जी देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, ड्रोन उड़ रहा है, इसमें क्या देखने का है। अरे बाबा, इसमें अंदर आदमी बैठेला है, ये देखो, आप अभी तक सामान की सोच रहे थे, 130 किलो तक का आदमी बैठ जाएगा भाई, नया ड्रोन बना दिया। अभी फिलहाल ये 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है, वरुण आप सोचिए साहब, ये कितने काम की चीज है जिसमें एक आदमी बैठकर उड़ सकता है। ये देखिए, ये आदमी अंदर बैठा हुआ है, तो वरुण के नाम से ड्रोन, जिसमें वो सोच ही रहे थे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भारत ने बना दिए, 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और ड्रोन है, नीचे से बैठ के ऑपरेटर ऑपरेट करता रहेगा, आपको तो बस बैठना है, कुछ नहीं करना है। तो यहां पर अब इसका फायदा क्या है, इसकी रेंज यदि थोड़ी और बढ़ जाती है, यदि 100 किलोमीटर हो जाती है, 50 किलोमीटर या 20 भी रहती है, आप सोचिए कितना बड़ा फायदा है। कोई पेशेंट है, उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, दिल्ली का मालूम है ना आपको ट्रैफिक, आदमी उसी में मर जाता है एम्बुलेंस में, मजा लेगी कोई आदमी हट जाए भाई साहब, मजा लेगी कोई आदमी हट जाए, दिल्ली वाले कितने खुश हो रहे होंगे हमारी बातें हो रही। हाँ, अपन को तो अपनी औकात तो मालूम है, अपन लोग हटते कहाँ हैं, वो पीछे सायरन बजाता रहे। तो वहाँ ये बहुत काम आएंगे, पेशेंट को लेटा दो, बेल्ट लगा दो, उड़ा दो, खट से दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, जहां उसकी सर्जरी होनी है, जहां उसको ICU में करना है, उसके छत पर उतर जाएगा वहां से। तो इसके फायदे बहुत होने, आने वाले समय में इसके फायदे बहुत हो सकते हैं अगर अच्छे उसमें इस्तेमाल किया जाए, पुलिस के लिए भी बड़े काम की चीज़ हो सकती है।
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। तो बहरहाल आने वाला समय भारत का बड़ा उज्ज्वल दिखता है ड्रोन के मामले में कम से कम। रॉन राठौर कहते जय श्री राम गुरु जी, पहले भी किया था शायद आपने देखा नहीं। नहीं रॉन राठौर जी पहले आया नहीं है ना, तो वो रिटर्न हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात, तमाम ऐसे दुर्गम इलाके जहां हमारे सैनिकों को जाना मुश्किल पड़ता है, देर लगती है पहाड़ में चढ़ चढ़ के जाने में, तो ये ड्रोन्स वहां भी काम आ जाएंगे। सट से बैठाया और ऊपर पहुंचा दिया, सीधे चोटी पर पहुंचा दिया, कोई इधर उधर का लफड़ा ही नहीं। छोटा सा ड्रोन है, नज़र में ही नहीं आने वाला, धीरे से प्यार से पहुंच जाएगा, फिर वहां से उतर के वापस नीचे। तो ये अब आप देख रहे हैं सर, सारी चीज़ें आपके सामने और बड़े आराम से आपके आँखों के आगे ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये बदलाव है सर, और ये बदलाव अब आपको देखना चाहिए। फायर स्टेशन पे भी बहुत काम आएगा, बिल्कुल सर बहुत काम आएगा। खैर ये तो हो गई टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आप खेलते हैं। पर हमारे यहाँ एक भारत में एक चीज़ और चलती है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, जो शायद किसी और देश के पास नहीं है। और उस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को भी हम एक वीडियो उसका भी दिखाएंगे आपको, जरा उसको भी देखिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, भाई ये चली ट्रेन, और जरा कलाकारी देखिए, पानी की बॉटल्स ट्रेन में अंदर फेंकी जा रही, गाड़ी तो चल दी, और ये नज़ारा आप सबने देखा होगा। और ये लोग करते करते आखिर में पूरा ठेला अपना खाली कर ही लेते हैं भाई, सप्लाई पूरी पहुंच जाती है इनके इन प्रकार। ये आपको दूसरे शायद किसी देश में देखने को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ दरवाजे लॉक हो जाते हैं, पर हमारे यहाँ ये कमोवेश, खासकर दिल्ली जैसे स्टेशनों पर, ये कमोवेश रोज देखने को, हर घंटे में आपको देखने को मिलेगा। और उनको आखिर में याद आती है, एक्चुअली लोड इतना होता है, एक के बाद एक गाड़ियाँ हैं, तो उनके भी जो ठेला है वो लगातार चलता रहता है। तो साहब ऐसे तेजस्वी लोग भी हैं हमारे पास में, और बहुत सारे हैं। चलिए अब चलते हैं आज के उस हितेश पटेल जी कहते हैं मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अरे नहीं सर, दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल है, पार्सल तक ऐसे फेंकते देखा मैंने, ये तो फिर भी पानी की बॉटल्स फेंक रहे थे। पार्सल जिसकी आपको लॉक करना पड़ता है, चपड़ी लगानी पड़ती है, और चलती चलती ट्रेन में उसके बाद फिर उसके ऊपर चपड़ी लगाई जाती है, सील लगाई जाती है, फिर वो जो है भागकर गार्ड उसमें अपने डब्बे में चढ़ता है। खूब तमाशे देखे हैं, रोज का काम है, एवरीडे। तो खैर हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla.gwl पर कंट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। इफ यू'd लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट टू patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani।